सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षक, बोले कोई नियम हो, बिना नियम के यादवों को छेड़ दिया तो जनता में तूफान खड़ा हो जाएगा। समरथ को नहीं दोष गुसाई, तुम राजा हो, तुम्हें नियम की क्या जरूरत है? अरे नहीं, कोई कानून बताओ, ऐसे कैसे जेल में भर दिए जाए, कोई नियम बनाओ। हाँ, यादवों से कसूरी लेना लोहे की चना चबाना है, तुम्हारी सिंगार। महाराज तुम तो बहुत डर रहे हो, सुनो सकता। अरे ऐसे नहीं, कोई कानून बताओ, कोई नियम बताओ। काली जैसे दो छुपनिया, अब हम तुम्हें ऐसी अकल बताए कि सांपों बन जाए लाठियों में। हाँ, ऐसी अकल। काली देह में रहता है कालिया का, अब दो छपरिया कमल के पुष्प मंगवा, कौन अहीर की अम्मा ने दूध पिलाया उससे जाके टकरा है। अब फूल तोड़ने का मतलब जानते हो राजा? नहीं बताओ। की बह फूल तोड़ के जाना और लाला काल के जाल में जाना। बह फूल तोड़ के जाना है भगवान के दरबार में भेंट करती है। बोले रास बिहारी भगवान की। वाह भाई, बेधड़क सुखदेव जी कहने लगे ही राजन परीक्षक। बोले जाबा तो पत्र लिख दिया, पत्र लिख दिया यादवों के नेता बाबा नंद, कल सुबह 8 बजे दो छपरिया कमल के पुष्प चाहिए, अगर ना आए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल दूंगा। बाबा नंद के पास पत्र भेज दिया। बाबा नंद ने जिसमें पत्र को खोल के पढ़ा, कलेजा फट गया। क्या हुआ? गोली पड़ी या
भैया सोचा गई कितनी बाबा काय करो रे काय करो।